वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला बाकी गिफ्ट वाला ब्लॉग आपने देख ही लिया था, उसके जस्ट बाद अचानक ही हम निकल पड़े हैं पहाड़ों की ओर। और हल्द्वानी में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है और यहाँ पर हो रही है बरसात और बहुत ठंडा लग रहा है। बेटी को भी ठंडा लग गया है। दाने उग गए मेरे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ठंड लग गया, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड है, आओ और पहाड़ों की हवा खाओ। बाकी हम अचानक इसलिए आए हैं क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, रामगढ़ में भागवत चल रहा है, तो दो दिन की है बच्चों की छुट्टियाँ, तो हम भी भागवत में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ पर रुके पड़े हैं थोड़ी देर गाड़ी के लिए। ये देखिए काफ़ी बारिश हुई है। थोड़ा आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ और अभी बारिश हल्की हल्की रुकी हुई है और हम अभी भवाली पे चौराहे पे हैं और भैया गाड़ी वाले गौरव भैया वो गए हैं भवाली मार्केट की तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा है और पता नहीं रामगढ़ में क्या हुआ है भाई। तो जी गाड़ी के अंदर तो मैं वीडियो वगैरह बना नहीं पाई थी, तब अभी उतरे तो अभी मुझे मौका मिल गया तो सोचा कि ना व्लॉग ही बना लिया जाए। तो चलते हैं सीधे भागवत में और देखते हैं भैया कितनी देर में आते हैं। हेलो, थैंक यू बाबू। से हमारे साथ सफ़र में शामिल हो गई हैं भाभी हमारी, इत्तेफाक था हमने आज साथ में सफ़र करना था। और ये भी एक शिक्षिका है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, आप लोगों को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीछे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, टीचर से मना के आ। ये देखो भाई गाड़ी में बेटी को एक फ्रेंड बन गया है बेटी का और इन्होंने हमारा चैनल देख रहे हैं। यहाँ देखो, हेलो बच्चे, हेलो बच्चे, यहाँ देखो क्या नाम है तुम्हारा? समीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन में। कैसी लग रही है आपको वीडियो, कैसी लग रही है? कैसी लग, अच्छी लग रही है? तो ये देखो इन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई है। ये तो रामगढ़ तो पहुंच गए हम, थोड़ा सा रह गया, स्टेशन पे आ गए हैं, लेकिन ना गाड़ी में एक छोटा सा जो बच्चा था उसने उल्टी कर दी और पूरी गाड़ी में कर दी और इतनी स्मेल आ रही है गंदी, सर घूम रहा है। बस अब दो कदम पे ही हमारा घर भी आ जाता है, फिर मिलते हैं आपसे। घर पहुंच के ही करते हैं बात, और मंदिर तो अभी हम शायद जा भी सकते हैं या नहीं भी, तो देखते हैं कैसा रहता है। ये देखिए पूरे 10 मिनट हो गए हैं अंकल जो बैठे हुए थे ना उनकी भी पूरी कपड़े ख़राब कर दिए इसने, तो ये जब तक साफ़ करते हैं तो हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो ऐसे ही नज़ारों के आनंद ले रहे हैं, बाकी आप भी लीजिए। और बेटे को ठंडा लग गया है और बेटी को तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना। कुछ बोलना चाहती थी मेरे को यहाँ की, आप यहाँ आई और इन चिड़ियाओं की आवाज़ सुनिए, इतनी सुरीली और मीठी होती है ना कि मैं मन बह जाता है इनमें। ओहो बड़े प्यारे शब्द बोल दिया आपने तो, वाह। लेकिन सच कह रही है बेटी कि वाकई में चिड़ियाओं की जो आवाज़ आती है और नदियों की आवाज़, पानी नीचे नदी है तो वहाँ से आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखिए कि रोड देखिए पूरी सूखी हुई है, मतलब ना हमको गागर से हम जब ऊपर को आए तो बारिश नहीं थी, पर जब सलड़ी पे थे के ना, सलड़ी से तो लग गई थी, सलड़ी से ऊपर को हमें पूरी बारिश लगी भवाली तक। भवाली में आपने देखा भी था वहाँ पर हल्का सा बूंदेबांदी रुकी थी, बूंदे बूंदे आ रही थी बस। तो अभी यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बट ठंडा लग रहा है। तो ये है हमारा स्टेशन, चाहते तो हम यहाँ से पैदल पैदल पहुँच जाते बट बैग भी है ना, बैग भी ले जाना है, फिर बच्चे भी हैं और फिर थके भी हैं हम सफ़र से, इस वजह से हम रुके हैं। वहाँ चल रही है साफ़ सफाई। चलो भाई चलो, गो फास्ट। हो गई है साफ़ सफाई तो हम चल रहे हैं।
और फिर मिलते हैं आपको मंदिर में या फिर घर पे। ठीक हो गया, बाकी लोगों को दिखाओ। ठीक हो गई। ये देखिए, तो बच्चे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी सब ठीक। आप तो उतरे ही नहीं भाभी। अरे मेरे भी तो दम घुट गया था। आओ बेटा, तो भाई चलते हैं भागे को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे, और ये श्रीमान जी ने कुछ सामान मंगाया था हमसे, पाइप वगैरह, तो वो भी ले रहे हैं। हिमांग बैग उतार लो बेटा, अंदर से पकड़ो। भैया चले गए, भैया ने पैसे वैसे लिए नहीं, अब वो श्रीमान जी से ही लेंगे। चले चलो। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया। काम क्या किया, थोड़ा बिस्तर वगैरह झाड़ा, थोड़ा सामान संभाला, बच्चों को स्वेटर्स वगैरह पहनाई, ठंडा होता और मैंने भी स्वेटर पहन ली है। और फिर उसके बाद दिया बत्ती वगैरह कर दिया भगवान जी की। अब हम जा रहे हैं मंदिर, और ब्लॉग को भी हम इतना ही रखेंगे। चलो, ये देखो कहाँ गए, ये है मेरी बहन ये। तो आज है 5 तारीख, यानी कि शिक्षक दिवस का दिन है। तो गाड़ी में ना भाभी भी मिल गई थी, तो भाभी के साथ बहुत सारी रास्ते में बातें करी, तो ब्लॉग भी नहीं बना पाई। बातें ये करी कि भाभी जिस स्कूल में टीचर गई हैं, फूलचौड़ स्कूल में, कन्या फूलचौड़ में, तो मैंने भी वहीं पढ़ा है, तो वहाँ की बहुत सारी हमने बातें करी। बहुत अच्छा लगा मुझे, अपनी स्कूल के दिन याद आ गए, तो काफ़ी अच्छा लगा भाभी के साथ भी सफ़र करके। और उसके बाद हम घर पहुँचे, तो फिर मतलब वैसे तो गर्म ही हो रहा, पर हमने फिर भी ना स्वेटर वगैरह इसलिए डाली कि वहाँ पे नदी का किनारा है तो ठंडा लगता है, इसलिए हमने स्वेटर पहन ली। बाकी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और वहीं पर हम ब्लॉग भी एंड कर देंगे। और आप लोगों को फिर से निमंत्रण है, आइए, रामगढ़ में चल रहा है श्रीमद्भागवत, तो कथा सुनने ज़रूर आइएगा। और आज 4 तारीख से शुरू था, आज 2रा दिन है, और 2 दिन हम भी पूजा में सम्मिलित होंगे। बहुत खुशी हो रही है, 2 दिन हम भी पूजा में बैठेंगे। इससे पहले तो हम बहुत बैठ चुके हैं वैसे, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा काम है, तो अच्छे काम में आगे बढ़ना ही चाहिए। बाकी कितने, हाँ 10 तारीख को, 10 तारीख को हमारा क्या है, डोला उठता है, तो उस दिन विशाल भंडारा होता है, आप लोग ज़रूर आइएगा। और 7 तारीख को है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है, देखते हैं इस बार कैसा रहता है। तो मिलते हैं आपसे सीधे मंदिर में, और वहीं कर देंगे हम ब्लॉग को एंड। चलिए, ये हनुमान मंदिर जो इस तरीके से सजा हुआ है। ये देखिए कृष्णा जी जो स्थापित हो चुके हैं यहाँ। बाकी हम पहुंच गए हैं देखो, और यहाँ पर बहुत कम लोग। मैंने तो सोचा था, भाई प्रणाम, मैंने सोचा था खूब सारी भीड़ हो रही होगी, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा यार। तो कुछ ऐसी सजावट हुई है, और मंदिर थोड़ा दूर है, और भागवत चलेगा यहाँ पर, तो अब कल दिखाएंगे आपको बाकी। बाकी ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पे। जीते रहना, जीते रहना। अच्छा ये तो वो है, जीते रहना।